गरीब, उसको कुछ नहीं पता। वो कहते हैं पता नहीं मैं क्यों अमीर खानदान में आया, पता नहीं प्यारा क्यों, पता नहीं मर जा रहा, पता नहीं हीरो मुझे से कुछ पता ही नहीं है, मैं कहाँ से आया हूँ पता नहीं, कहाँ जाना है पता नहीं, खिलौना हूँ ना यू नो इन नेचर के हाथों, पता नहीं बस हो रहा है जा रहा है आ रहा है, आई डोंट नो यू नो, बेचारा कितना मजलूम है वो, और हम कितने खुश नसीब है। मैं तो कहती हूँ इस कॉन्सेप्ट के बाद देयर इज नो नीड टू वेट फॉर जन्नत, यही जन्नत बन जाती है, आप आगोश इलाही में हो, ये जन्नत बन गई ना, और क्या है ये जन्नत है, आप माँ की गोद में आपको कितना मजा आता है, आप ऐसे ब्रेव बन जाते, मेरी मामा इधर यू नो कोई कुछ देखे तो पता करे तो सही, मामा माय मामा इज हियर, कितनी ताकत आती है, कितना इंसान सिक्योर फील करता है। सो जन्नत है ना माँ की को जन्नत, सो वी आर इन द आगोश रहमत इलाही, तो हमें कोई इंतजार करने की भी जरूरत नहीं, इतनी दुनिया प्यारी हसीन जगह बन जाती है जब हमारे पास ये तौहीद हो। सो बंदगी तो इबादत का मतलब रुकू हो, सुजूद हो, रोजा हो, सियाम हो, ज्यारत हो, इमाम बारगाह हो, ये नहीं है ना, अब समझ में आ गया, वो है ही नहीं, वो मीडियम है, वो तो जरूर होगा जब आपको आपके पास वो इश्क आएगा, वो प्यार आएगा, आप समझोगे कि हर चीज उस मोहब्बत की वजह से। अल्लामा अमीनी साहिब गदीर बड़ा प्यारा कहते हैं कि जो नमाज में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता ना, रूट कॉज क्या है, उसको प्यार नहीं मिला, तवज्जो नहीं मिली अल्लाह की, उसको पता नहीं चला कि अल्लाह उसे कितना चाहता है। जैसे जैसे मुझे नहीं पता आप मुझे कितना चाहती, तो मैं आपके पास इतना नहीं आना चाहती, मैं आपके साथ बैठना नहीं चाहती, मैं इतनी अटेंटिव नहीं होती। सो कोई वजह उधर से है, रूट कॉज हमारी हर मुश्किल का, इवन शरीयत पर अमल करना जो हमें मुश्किल लगता है, वो इसलिए कि हमारे अंदर वो प्यार डेवलप नहीं हुआ अल्लाह के साथ। इस पर आप काम करो, प्यार करो। आपने किसने खौसर में आगा अनवर की मजालिस सुनी, कोई नहीं गया, मुहर्रम का फर्स्ट अशरा था शायद। वो जरूर सुनिएगा, यूट्यूब पे होगा, अगर आप लोगों को समझ में आए, आता है सब।